चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय, देखो इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। फैराडे ने जो लॉ दिया था, फैराडेज लॉ, वो कहता है कि फ्लक्स में चेंज होने की वजह से टाइम के रिस्पेक्ट में ईएमएफ इंड्यूस होती है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो डायरेक्शन जो दिया था वो लेंज ने दिया था, उसने इक्वेशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, उसने कहा था जो आप ईएमएफ की डायरेक्शन बोल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो दोनों में बस एक नेगेटिव साइन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, वो किसने दिया था? वो लेंज ने दिया था, जो कि डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, फैराडे का इक्वेशन जब भी आप देखोगे बुक में, ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, दोनों लिखा होता है, या सीधे ये लिखा होता है, क्योंकि ये फाइनल मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन किसने किया था? लेंज ने किया था, उसी ने डायरेक्शन के बारे में कंफर्मेशन की थी। ठीक है, और फैराडे ने फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से टाइम के रिस्पेक्ट में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके बारे में बताया था, लेकिन उसने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था। वो डायरेक्शन पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहा था, जबकि जो है चेंज को अपोज करता है। ठीक है, नेगेटिव साइन यही अपोज को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।